न्यूज में स्वागत है आपका। विजयपुर के शहर में ईदगाह मैदान में तनवीर पीरा रमजान ईद का खूब बयान हो गया। मैं सबको रमजान ईद मुबारकबाद देता हूँ। तमाम आज मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों की पहली मर्तबा है जब मैं MLA हो या मिनिस्टर हो बन के ईदगाह में मैं आया हूँ। तमाम बातें जो हमारे तनवीर पीरा साहब बोले हैं उसके लोग बहुत गौर से मैं ख्याल अपने रखते हुए तुमको इतना भरोसा दिला दे सकता हूँ कि मेरे हुकूमत में ऐसे नाकाम चीज नहीं होगी। और होगी भी तो मेरी खुशी की जरूरत मुझे नहीं है। मैं अगर रहूंगा तो इंसानियत के नाते से रहूंगा और रहूंगा तो हिंदू और मुसलमानों के साथ रहूंगा। वो बहुत नाजुक से बातें तनवीर पीरा साहब मेरे सामने पेश किए। पता नहीं कभी इंडिया में ऐसे बात होते थे या ना होते थे, फिर भी इसकी गौर करना ही मेरा फर्ज है। जो वादा यहाँ मैं किया हूँ वो अल्लाह मेरा वो बात को हमेशा करने की हिम्मत मुझे दी। मैं यहीं बैठ के बता रहा हूँ आपको, मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तवज्जो करें। दो महीने के बाद बकरीद है, बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी के हवाले से ये शैतान शरारत करेगा। अभी से बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ साथ एक और कुर्बानी हो जाए। ध्यान रखिए, खासतौर पर इसका ख्याल रखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दर्ज कर रहा हूँ, इसका खासतौर पर ख्याल रखें। और बताऊं मैं आपको कि बहुत सारे सरदार जो पता नहीं कहां दिल में घुस गए थे वो सब जाहिर हुए हैं। सरदारों से भी जरा होशियार रहे, इसलिए कि टीपू सुल्तान कभी नहीं हारते अगर सरदार गद्दारी ना करते। अल्लाह करम फरमा, इन हालात पर मैंने एक आईना दिखाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मारूजात पर तवज्जो करेंगे। और आए हुए मेहमानों की दो मिनट गुलपोशी होगी और गुलपोशी के बाद दुआ होगी, दुआ में बैठे रहें। हम पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बैठ जाओ। अपने मफाद के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने राह के लिए कौम को धोखा देते हो? तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, जलील तो हो गए, और जलील हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें और जलील करेगा। अल्लाह तबाह व बर्बाद करेगा। कौम बोलिए, कौन बड़े हैं? ना MLA बड़ा, ना मिनिस्टर बड़ा, ना चीफ मिनिस्टर बड़ा, ना प्राइम मिनिस्टर बड़ा, ना प्रेसिडेंट बड़ा। सबसे बड़ी तो हमारी कौम है, सबसे बड़ी हमारी कौम है। हम कौम के लिए अपने तौर पर, हाँ इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि हिंदू हमारे भाई, हम भाईचारगी के साथ रहते, प्यार मोहब्बत से रहते, हुकूमत से रहते, समझे। हमारे ईद के मौके पर हिंदू हमारे साथ शामिल होते हैं, उनकी दिवाली दशहरे के मौके पर हम उनके साथ शामिल होते हैं। प्यार मोहब्बत का माहौल बीजापुर में हमेशा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। आप एक वादा ये भी करें कि बीजापुर में कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे इंशाल्लाह, और कभी अपने हिंदू भाइयों के साथ इख्तलाफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कानून अपना काम करेगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कर्नाटक है कर्नाटक, ये किसी के बाप दादा का कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक टीपू सुल्तान का कर्नाटक है। ये बात ध्यान में रखें, टीपू सुल्तान का कर्नाटक है। आज इसलिए कह रहा हूँ कि बात आप तक पहुंचे, हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद लोग कहेंगे अरे साहब सियासी गुफ्तगू करें। मैं बोलूंगा कि सियासी गुफ्तगू अगर करना मना है तो ये सारे सियासी लोग यहाँ क्यों आए? इसलिए आए हैं, इन्हें दुआ चाहिए, जिन्हें दुआ मिलेगी है ना, ये इसलिए आए ना। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, इसे याद रखें। अब मैं यहीं बैठ के बता रहा हूँ आपको, मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तवज्जो करें। दो महीने के बाद बकरीद है, बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी के हवाले से ये शैतान शरारत करेगा। अभी से बोल रहा हूँ,
कहीं ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ साथ एक और कुर्बानी हो जाए। खास तौर पर इसका ख्याल रखें। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इसका खास तौर पर ख्याल रखें। और शरीयत के कानून को बदलने की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कोशिश की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम और बंगाल तक मुसलमान की सारी औरतें घर से बाहर निकली, पर्दे के साथ निकल करके प्राइम मिनिस्टर के फैसले की मुखालिफत की। जनाब वाला सुन ले, ये कलमा पढ़ने वालों की औरतें हैं, कलमा पढ़ने वालों की सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीजाएं हैं। कनीजाएं बता रहा हूं मैं आपको। अरे तलाक के मसले में जब प्राइम मिनिस्टर ने मदाखलत की तो हिंदुस्तान की औरतें प्राइम मिनिस्टर को खातिर में न लाई तो बीजापुर की औरतें बीजापुर के शैतान को क्या खातिर में लाई। इस बात को ध्यान में रखे, याद रखे, और आप अपने खवातीन तक मेरा ये पैगाम पहुंचाए। मीडिया भी कवर कर रहा है, ये पैगाम पहुंचे। हमारे खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, इतनी सस्ती बोलिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम मोहताज हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के मोहताज हैं, हम मोहताज हैं तो अल्लाह के रसूल के मोहताज हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, हम किसी के मोहताज। याद रखे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बीजापुर के मर्द, बीजापुर की औरतें मर जाएंगी जो गैरतमंद हैं, मगर कभी वो शैतान के दर तक नहीं जाएंगी, कभी वो शैतान के घर तक नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कुछ बेगैरत करतार किस्म के मुसलमान होते हैं गद्दारी किए हुए, वरना आज बीजापुर में हाल ना देखने को मिलता। मुसलमान ने मुसलमान के साथ गद्दारी की, मुसलमान ने मुसलमान को हराया, गद्दारी की, सबों में इंतजार पैदा किया, खड़े होकर के धूप में, अरे औरतें खवातीन बूढ़े अल्लाह पर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते रहे। किसी तरह से एक सेकुलर कैंडिडेट आ जाए, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, सेकुलर कैंडिडेट आ जाए, मगर गद्दारों ने गद्दारी की। मगर ऐसे बेशरम है कि उनकी बेशर्मी पर मुझे अफसोस आता है, ऐसे बेशरम बेहया कि गद्दारी करके भी अपने आप को लीडर समझते, गद्दारी करके अपने आप को नेता समझते, गद्दारी करके मुसलमानों के साथ ना इंसाफी करके मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल करके। और याद रखिएगा, जब जब बीजापुर का शैतान बकेगा, बकवास करेगा, उसके जिम्मेदार ये गद्दार होंगे, उसके जिम्मेदार ये गद्दार होंगे। गद्दारों को जानो पहचानो, इंशाअल्लाह बेज़िंदा जब तक मैं जिंदा रहूंगा गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप हाथ खा करके बताइए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला मेरी